नवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के लिए ये नवरात्रि माता का विशेष वरदान लेकर आए। माता आपकी सभी इच्छाओं मनोकामनाओं को पूर्ण करें, ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो में आज आपको भाग दौड़ भरी जिंदगी में कैसे आप अपने घर में माता की स्थापना करके पूजा कर सकते हैं, क्या सरल विधि है, किस तरह से आप अपनी हर मनोकामना को पूर्ण कर सकते हो, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, किसी भी तरह का आपको कष्ट है, जीवन साथी के साथ में नहीं बन रही है, धन का कष्ट आपको बहुत अधिक है, जो आप व्यवसाय है वहां दिक्कतें हो रही हैं, आपके जीवन में कोई भी समस्या चल रही हो, घर में किचकिच बहुत ज्यादा रहती है, पैसा आता नहीं है या टिकता नहीं, कोई भी समस्या हो सकती है, क्या सरल विधि है जिससे कि आप इस नव दुर्गा पर करने के बाद अपनी सभी इच्छाओं मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिए। राधे राधे, नमस्कार। मैं आपकी यशुदोष ऐश्वर्याशन गुप्ता अपने ज्योतिष के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करूँ उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे इस चैनल से नए जुड़ रहे हैं या आपने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे प्रतिदिन के वीडियो समय से आपको मिलते रहें। नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ऑल पर। दोस्तों, नवरात्रि वर्ष में वैसे तो चार बार आती है, लेकिन दो नवरात्रियां हमारे यहाँ बड़ी होती हैं, एक चैत्रीय नवरात्रि और एक शारदीय नवरात्रि। इस चैत्रीय नवरात्रि से हमारा हिंदू नया वर्ष शुरू होता है, नया कैलेंडर शुरू होता है हिंदू का। 1 जनवरी से तो हमारा पाश्चात्य देशों का जो शुरू होता है उसकी वजह से, इंग्लिश देशों का जिसको बोलते हैं, हिंदू जो संसद वर्ष हमारा शुरू होता है, पंचांग जो शुरू होता है वो चैत्र प्रतिपदा से ही शुरू होता है। माता जगत जननी जगदम्बा है, आपकी हर इच्छा मनोकामना को पूर्ण करती है और मात्र छोटे छोटे उपायों से ही माता की विशेष कृपा आपको प्राप्त हो जाती है। दोस्तों, भाग दौड़ भरी जिंदगी है, आप जॉब में हैं, व्यवसाय में हैं, चाहे वो महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे लड़के हो, लड़कियां, क्योंकि ये नवरात्रि सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल है, चाहे वो लड़कियाँ हों चाहे वो लड़के हों, हर कोई इसकी आराधना करता है, व्रत रहता है, पूजा विधि करता है। तो दोस्तों, क्या सुबह के समय ही हमें अपनी पूजा करनी चाहिए? दोस्तों, माता जगत जननी जगदम्बा, उनकी आराधना आप किसी भी चारों पहर कभी भी कीजिए, वो हमेशा प्रसन्न रहती हैं। अब आप सुबह तो अपने भागदौड़ भरी स्कूल भी जाना है, आपको अपने जॉब पर जाना है, बच्चों के लिए टिफिन तैयार करना, और आपके पास टाइम ही नहीं है, घर में डांट पड़ रही है, चीख पुकार मची हुई है, तो कहाँ ऐसे घर में माता आएंगी? कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, आप माता की आराधना रात्रि के समय भी कर सकते हैं। जैसे आप काम पर जाती हैं या आप खुद घर में रहते हुए भी आपके पास इतना ढेरों काम है कि आप नहीं आराधना कर पाती हैं ढंग से, तो बस इतना कीजिए, सुबह नहाने के बाद आप पहले सुबह उठते ही माता का ध्यान कीजिए, माता को क्षमा प्रार्थना कीजिए, नहाने के बाद एक घी की जोत जला दीजिए माता के मंदिर में और माता की आरती कर दीजिए। बैठकर पूजा करने का टाइम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आरती कर दीजिए, भोग लगा दीजिए। भोग में माता को शहद बहुत अधिक पसंद है, सो 9 दिन लगातार आपको शहद का भोग लगाना है। आपने कहा शहद नहीं है तो आप गुड़ का भी भोग लगा सकते हैं, वो भी नहीं है तो आप चीनी का भोग लगा दीजिए। इसके साथ ही इसको अपने ले जाकर खाने के डब्बे में, यानी कि चीनी के डब्बे में ही मिक्स कर दीजिए। इसके साथ ही दोस्तों, मानसिक रूप से आप सारी चीज़ें अर्पित कर दीजिए। आपने कहा मेरे पास फूल नहीं है, मेरे पास फल नहीं है, मेरे पास ये भी नहीं, मेरे पास वो भी नहीं, मन से अर्पित कीजिए, माँ मेरे पास ये फूल स्वीकार कीजिए, माँ मेरा ये भोग स्वीकार कीजिए। मानसिक रूप से आप चीज़ें अर्पित कर दीजिए माता को, माता आपकी मानसिक चीज़ों को भी स्वीकार कर लेती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनकी व्यवस्था ही ना करो और वैसे बैठे ही बैठे आप घर से इस तरह से, आप ये मजबूरी में करेंगी। संध्या के समय यानी कि रात्रि के समय अपने कार्य से निवट जाइए, 9:30 बजे आप संध्या की आरती कर लीजिए, 9:30 बजे शुद्ध नहा धोकर वस्त्र बदलिए, नहाना नहीं है तो वस्त्र बदल लीजिए, हाथ पैर धो लीजिए, घर के मंदिर में आइए, एक घी की जोत जलाइए कलावे की बाती डालकर। इस कलावे की बाती के भी अंदर एक आप छोटी सी इलायची और एक कपूर का टुकड़ा और साथ में एक लौंग भी डाल दीजिए, चाहे तो आपके पास केसर हो तो केसर या चुटकी भर हल्दी डाल दीजिए, कलावे की ही बाती लगाइए। इसके साथ ही आप एक जल का लोटा भर के रखिए, अपने ऊपर जल छिड़किए, अपने आसन पर जल छिड़किए, अब अपना 3 बार आचमन कर लीजिए, हाथ धो लीजिए, फिर अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपना गोत्र, महिलाएं कर रही हैं तो पति का नाम, पति का गोत्र और निवास स्थान,
किस कामना की पूर्ति के लिए आप करने जा रही हैं वो बोलिए। देखिए रात्रि के समय क्योंकि माता को रात्रि की पूजा ज़्यादा अधिक प्रिय होती है, चाहे वो माता माँ लक्ष्मी हो चाहे वो दुर्गा हो, माता को रात्रि में पूजा बेहद पसंद है। सो ये मन में संशय लाने की आवश्यकता ही नहीं है कि आप तमाम चैनलों पर सुनती रही हैं आप ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा। माता तो अपने बच्चों के हर गलती को माफ़ कर देती है, तो वो आपकी गलती को क्यों नहीं माफ़ करेंगे। तो क्षमा प्रार्थना कर लीजिए, क्षमा प्रार्थना जरूरी है। आवाहन न जानामि न जानामि विसर्जनम, पूजा चैव न जानामि क्षम्यता परमेश्वरी, मंत्रहीन क्रियाहीन भक्तिहीन सुरेश्वरी जगतपति माँ माँ लक्ष्मी, आपको स्वीकार करिए। मैं कुछ नहीं जानती, मंत्र भी नहीं जानती, मैं कोई विधि नहीं जानती, बस माँ आपके चरणों में हूँ, मेरे ऊपर अपना बरदहस्त रख दीजिए। आप इसके बाद अब आप अपने गणेश जी के मंत्रों का ध्यान कर लीजिए, अब माता की आराधना कीजिए। आप माता की आराधना में माता के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, माता का नवार्ण मंत्र का जाप कर सकते हैं, या 13 अध्याय का भी कर सकते हैं, या केवल सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का भी पाठ कर सकते हैं। इसके अलावा श्री सूक्तम का भी पाठ कर सकते हैं इस नवदुर्गा में पूरे 9 दिन। मेरा वीडियो है जिसमें मैंने विशेष विधि बताई है कैसे आप श्री सूक्त का पाठ इस विधि से करते हैं तो आपकी जन्मों जन्मों की गरीबी दरिद्रता दूर हो जाती है, वो वीडियो मेरा विशेष है, उसे जरूर देखिएगा। अब आपको करना क्या है दोस्तों कि अब आपने यहाँ पर माता के मंत्रों का आप जाप कर लीजिए। नवार्ण मंत्र का जाप कर सकते हैं, ओम ऐग्नि क्लीम चामुंडाय विच्चे, इसकी 1 माला 2 माला 5 माला जितनी आपकी मर्जी, संकल्प एक बार में ले लीजिए और 9 दिन लगातार इसको कीजिए। माता को आप शहद अर्पित कीजिए, माता को भोग में जो आपने प्यार से बनाया हो, सिर्फ प्याज और लहसुन ना हो और किसी ने उसको खाया ना हो, वो भोग रख दीजिए। माता को हल्दी कुमकुम का टीका लगाइए, पान का पत्ता है आपके पास तो उस पर 1 इलायची 1 बताशा 1 रुपए का सिक्का 1 साबुत हल्दी की गांठ और साथ में गुलाब की पत्तियां हैं तो थोड़ी 7 गुलाब की पत्तियां रखकर माता को अर्पित कर दीजिए। इसके बाद आप क्या करेंगे कि इसमें से सारी सामग्री तो आप ऐसे ही रख देंगे, एक बड़ा कटोरा भी रख दीजिएगा माता के आगे जिसमें वो सामग्री रखी जा सके। पान के पत्ते पर वो गुलाब की पत्तियां रखकर उस पर 1 कपूर का टुकड़ा जलाकर अपनी पूजा के समाप्ति के बाद माता की आरती कर दीजिए और फिर वापस ले जाकर माता के सामने ही रख दीजिए। ये अचानक धन प्राप्ति के आपके मार्ग खोल देगा। आप माता का दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं, 13 अध्याय का भी कर सकते हैं, और एक साथ 13 अध्याय का भी पाठ करना आपके लिए पॉसिबल नहीं है तो आप कवच अर्गला और कीलक पढ़ लीजिए, साथ में आप 1 अध्याय 2 अध्याय पढ़ लीजिए, उधर से फिर आप जाते हुए 7वां और 8वां अध्याय कर लीजिए। इस तरह से 2-2 अध्याय करके आप पूरा पाठ कर सकते हैं। इसके अलावा दुर्गा जो सतनाम है 100 नाम है माता के, उनका भी आप जाप कर सकते हैं, सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का भी आप जाप कर सकते हैं। इसके साथ ही आप और कुछ नहीं जानते हैं तो दुर्गा चालीसा का पाठ कर लीजिए, साथ में ही ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः ये मंत्र भी आप जाप कर सकते हैं। एक विशेष उपाय, अगर आप बहुत अधिक कष्ट में हैं, आपके ऊपर से संकट खत्म ही नहीं हो रहे हैं, परेशान हैं, एक रोटी बना लीजिए। वो आप रोटी सुबह के समय भी बना सकते हैं, शाम के समय भी बना सकते हैं। इस रोटी पे देसी घी लगाइए, इस पे थोड़ा सा चीनी रख लीजिए। अब माता का मंत्र बता रही हूँ, इसको आप 108 बार भी जाप कर सकते हैं मंदिर में बैठकर। अगर आप रोटी का प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं है, इस मंत्र का आप 108 बार जाप कर सकते हैं। ओम दुर्भाग्य नाशिनी दुम दुर्गाय नमः, ओम दुर्भाग्य नाशिनी दुम दुर्गाय नमः। और जब ये मंत्र आप जाप कर रहे हैं तो रोटी को हाथ में पकड़िए और क्लॉक वाइज 31 बार बोलते जाइए। ये रोटी वाला उपाय तो 31 बार और 31 बार ही आपको मंत्र बोलना है। और अगर आप घर के मंदिर में बैठकर बिना रोटी के कर रहे हैं तब आप इसकी 1 माला करेंगे। 31 बार क्लॉकवाइज घुमाने के बाद आप इसे गाय को भी डाल सकते हैं, आप इसको पक्षियों को भी डाल सकते हैं। 31 दिन का ये प्रयोग है, 31 दिन लगातार कर लीजिए। कैसा भी आपके जीवन में दुर्भाग्य चल रहा होगा नष्ट हो जाएगा और माता की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी, हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। इस विधि से आप लगातार 9 दिन पूजा कीजिए। 9वें वाले दिन आप सुबह पूजा कर लीजिए। कन्याओं के लिए आपने भोग इत्यादि बना लिया, सुबह पूजा कर ली। माता को देखिए इन दिनों में आपको सिक्के जरूर अर्पित करने हैं, हल्दी की गांठ सुपारी जरूर अर्पित करनी है और उसके बाद इनको इधर उधर नहीं करना है। जितनी भी लौंग इलायची अपने खाने के डब्बे में डाल के रखिए, इनको समय समय पर खाते रहिए। हल्दी की गांठों को 2 धागे में बांधिए, घर के अपने लॉकर में डाल दीजिए, अपने बिस्तर में दबा दीजिए। बताशे हैं क्रश करके चींटियों के बिल में डाल दीजिए। जो सिक्के हैं उसे लाल कपड़े में बांधकर अपने धन स्थान पर रख लीजिए। कलश स्थापित किया उसका जल है पूरे घर में छिड़किए।
अपने नहाने के पानी में डालिए और बाकी का पौधों में लगा दीजिए। इससे भी ज़्यादा सरल विधि और क्या होगी। इसके साथ ही एक कंडी जला लीजिए, जो गोबर की कंडी होती है, उस पर आप दो बूंद थोड़ा सा देसी घी डालिए, दो लौंग डालिए, एक बताशा रख दीजिए और इस पर माता के एंग्री क्लीन चामुंडा बच्चे मंत्र का 11 बार जाप करके 11 आहुतियाँ देकर घर में हवन टाइप का कर लीजिए। और ये डेली आप कर सकते हैं रात्रि के समय। नवदुर्गा वाले दिन यानी नवमी वाले दिन आपको सुबह ही ये सारी पूजाएं करनी होंगी और इसका और उसके बाद आप कन्याओं को भोग खिला दीजिए, माता को विदा कर दीजिए। बस ये सरल सी विधि है, कोई बड़ी पूजा पाठ, कोई आडंबर नहीं। इसके साथ ही दोस्तों, विशेष रूप से माता को हर सुहागन महिला को सुहाग की वस्तुएं जरूर चढ़ानी चाहिए और उसके बाद आप इसे जो आपके यहाँ कन्याएं भोजन करने आती हैं आप उन्हें कुछ कुछ सामान बांट दीजिए। आप नहीं, मैं इस तरह से नहीं देना चाहती तो किसी पंडितानी को दे दीजिए या किसी सुहागन महिला को दे दीजिए, जो आपके परिवार में कोई बड़ी सुहागन महिला हो जिसका सुखी दाम्पत्य जीवन हो उसे दे दीजिए, या किसी पंडितानी को दे दीजिए जो बहुत आपको लगता है कि बहुत खुशहाल है उसे दे दीजिए। तो आपके जीवन में सुहाग की भी आपकी रक्षा होगी, दाम्पत्य जीवन भी आपका सुखी होगा। सो दोस्तों, ये है सरल पूजा विधि, कोई आडंबर नहीं, कोई कुछ नहीं। रात्रि के समय की गई पूजा बिल्कुल आप शांत मन से करती हैं, आपके पास पूरा ध्यान केंद्रित होता है और माता सिर्फ ये कहती हैं कुछ पल मेरे साथ बिताओ, मेरे पास आओ, मेरे पास बैठो, बस ये माता चाहती हैं। वो नहीं कहती हैं कि आप मेरे लिए ये भी लाओ, ये भी लाओ, ये भी लाओ। ये तो हमारी भावनाएं हैं, हम अर्पित करना चाहते हैं क्योंकि हमें लगता है कि 9 दिन माँ हमारे घर में आई, वो करना भी चाहिए। अगर आपकी पॉकेट बोलती है तो बिल्कुल करना चाहिए। आप मजबूर हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अपनी मजबूरी का माँ के सामने क्षमा प्रार्थना कर लीजिए, माता को बता दीजिए, क्योंकि माँ तो आपके कष्ट को दूर करने के लिए सदैव तत्पर रहती हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट में जय माता दी, राधे राधे, हर हर महादेव लिखिएगा। सर, कुंडली का विशेषज्ञ कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पे मेरा नंबर है 8077506510। इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप जान सकते हैं कि आप प्रक्रिया है कुंडली विश्लेषण की। दोस्तों, ऐसे ही कोई और वीडियो चाहिए आपको तो मुझे आप मेरे यूट्यूब पे जब वीडियो देख रहे हैं उसके कमेंट में लिखिए, मेरे व्हाट्सएप पर नहीं, तो वहाँ पर मैं आपका कमेंट पढ़ती हूँ, उस पर आपको वीडियोस बनाकर आपके सामने उपस्थित होंगी। तो 7:30 पर जो लाइव आती हूँ उसे भी देखना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। कल फिर कुछ नया लेकर आऊँगी आपके सामने, तब तक के लिए आप भी से विदा लेती हूँ।